मैंने काटते नहीं दिखे, वैसे ऐसे दिखा काले कपड़े वाला, एक एक बार दिखो जैसे ये खड़ी है ना इस तरह दिखो, पूरा चेहरा काला था बस। मेरा घरवाला मेरे साथ में यहाँ इधर सोया है, मेरा पोता सोया है, 11:57 की बात है ये। तो मैं चुन्नी लपेट के सोई हूँ यहाँ पे, चुन्नी लपेट के मैंने एकदम मेरे आँख मिची है, मिटते ही मेरे सर में बहुत भयानक दर्द दिया, मैं दोनों हाथ चिल्लाई हूँ पकड़ के ना, मेरे सर फट गया। तो इसने लाइट जलाई है इन्होंने, और जला के बोले कुछ नहीं है सो जा, बंद कर दिया फिर लाइट। मैंने कहा मेरे बाल फट लिया, मेरे बाल फट गया, मेरा सर फट गया। फिर लाइट जलाई है, फिर बच्चे कट आए मेरे नीचे से, तब जूड़ा खोल के देखा है मेरा क्या हो रहा है। There definitely is no such thing as black magic and somebody just comes up to you and cuts your brain. It is a kind of hysteria where the person concerned gets into an altered state which brings out a varied responses or let's say anxiety, and they land up doing what they have read. So it could be out of guilt, it could be out of fear. It could be just neurosis. For example, conversion reactions is a neurosis where the patient does things to themselves without any physiological reason. So it's something like that, where there is a huge amount of suggestibility to say, hey, this is my way of becoming important, doing something different, getting in the limelight. Or the thrill of it, the thrill factor. Just because she says that she gets up and sees her daughter's braid missing and somebody's cut it is not good enough evidence. We need to investigate deeper into it, and in all probability they seem to be having a spectrum of hysteria, conversion reaction neurosis, and they need help. या अफवाह के आधार पर इस तरह की भ्रामक कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको फैला रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई संगठित या सुगठित कोई गिरोह नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है, ये केवल कुछ लोगों का मैं कहूँगा असामाजिक तत्व हैं जो कि गांव में असुरक्षा की भावना फैलाना चाहते हैं। बच्चे इतने डरे हुए हैं कि बच्चे उस कमरे में हम बैठे हैं, बाथरूम में जाने के लिए बच्चे नहीं जा रहे बाथरूम करने, पापा साथ चल के जाओ, जो सब नॉर्मल थे सब कुछ, लेकिन अब वो इतने डर रहे हैं बच्चे कि वो साइड में बाथरूम भी नहीं जा रहे हैं। जिस दिन इनकी चोटी कटी थी उस रात के मुझे दूसरी रात के पूरी रात नींद नहीं आई, बच्चे तो तीनों लड़की सुला दी थी मैंने, हाथ में चक्कू लेके सारी रात ही वहाँ खोल कर बैठी रही थी, और सुबह 5 बजे दूध के गई थी, फिर भी मुझे बहुत डर लगता, डरती डरती दूध लेने गई थी।